hi, I'm sixth class students. I'm your math teacher, Alia ma'am. Today's topic is perpendicular lines. It is the chapter number 5. Perpendicular lines. When two lines intersect and the angle between them is a right angle, then the lines are said to be परपेंडिकुलर. जब दो लाइंस इंटरसेक्ट हो जाती हैं और उनके बीच में एक राइट एंगल बन जाता है, वो लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक लाइन है, उस लाइन का नाम है, लाइन सेगमेंट का नाम है AB. इस पे एक लाइन आती है इसका नाम लेंगे CD. AB लाइन पर CD इंटरसेक्ट होती है. एक तो इंटरसेक्ट भी हो जाते हैं और दूसरी बात कि 90 डिग्री का एंगल भी बन जाता है. ऐसे लाइंस को कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस. दूसरा होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. व्हेन द लाइन इज डिवाइड इनटू इक्वल टू इक्वल पार्ट्स. फॉर एग्जांपल, this is AB line segment, let it be 4 cm, half पे एक line आती है, इसका नाम लेंगे सर CD, इसने इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया, तो ये हुआ perpendicular bisector. जिसने लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया. दीज आर परपेंडिकुलर लाइंस, दीज आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. और कैसे लिखेंगे हम AB पर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर की सिंबल है CD पर. तो AB है परपेंडिकुलर CD, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.5 पे. क्वेश्चन नंबर 1 है कि इनमें बताइए कौन है एग्जांपल परपेंडिकुलर लाइंस की. पहला है एडजेसेंट एजेस ऑफ द टेबल टॉप. दिस इज द एग्जांपल ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि टेबल टॉप के एजेस हमें परपेंडिकुलर लाइंस की साइंस दिखाते हैं. ये हैं द लाइन्स ऑफ ए रेलवे ट्रैक. ये तो बिल्कुल एग्जाम्पल रेलवे ट्रैक की नहीं है, क्योंकि ये कहीं पर 90 डिग्री के एंगल्स नहीं बनाते हैं. नेक्स्ट इज द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर L. L जो है, L आप देख रहे हो अच्छे से, लेटर L, ये एक तो ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो जाते हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बन जाता है. इसका मतलब दिस इज द एग्जांपल ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस. द लेटर V तो बिल्कुल नहीं है परपेंडिकुलर, क्योंकि इसमें 90 लाइंस इंटरसेक्ट हो जाते हैं मगर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते हैं. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2. इसमें बताता है कि आप एक PQ बनाइए, एक लाइन सेगमेंट PQ लीजिए और उस पर एक परपेंडिकुलर डालिए, उसका नाम दीजिए XY. जब ये इंटरसेक्ट हो जाएंगे, बताइए बीच में जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल PAY. एक एंगल बनेगा PAY, उसका मेजर कितना होगा, ये तो खुद ब खुद बनेगा आपको 90 डिग्री का. इसके बाद हम चलते हैं आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है स्टडी द डायग्राम, द लाइन L इज द परपेंडिकुलर टू लेटर M. इसमें दिया गया है इसमें दिए गए हैं चार पार्ट्स. वो चार पार्ट्स आप अच्छे से देखो. इस ये आपको पहले हम डायग्राम दिखाएंगे. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. ये है लाइन सेगमेंट जो कि है 8 तक
और ऊपर से नाम देंगे इसके अल्फाबेट्स। इस लाइन सेगमेंट पर भी एक परपेंडिकुलर है ए ई पर, तो यहां पर हम ई पर लेंगे एक परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर का नाम है ईपी, यहां से ई और यहां से पी। अब क्वेश्चन बनता है पहला वाला पार्ट बनता है इज सी ई इक्वल टू ई जी। सी ई टू यूनिट्स, सी से लेकर डी तक, डी से लेकर ऑल यूनिट्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल ए टू बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी। इसका मतलब सारे यूनिट्स इक्वल है। अब क्वेश्चन है सी ई इक्वल ई जी, सी ई सी टू ई टू यूनिट्स, ई जी टू यूनिट्स, आर दे इक्वल? यस दे आर इक्वल। यस बिकॉज ऑफ टू यूनिट ईच, टू यूनिट बिकॉज ऑफ टू यूनिट्स ईच। डस बी ई बाइसेक्ट सी जी, क्या बी ई ने सी जी को बाइसेक्ट किया है? पहले देखेंगे सी जी कितने यूनिट्स हैं। वन टू थ्री फोर यूनिट्स। और पी ई क्या उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? यस। बी डज पीई बाइसेक्ट सीजी? पीई पहले देखेंगे कि सीजी कितने यूनिट्स हैं। सीजी है चार यूनिट्स और पीई जो है वो उस पर बराबर दो हिस्से यहां से करता है, दो हिस्से यहां से करता है। इसका मतलब पीई जो है वो इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसके बाद सी पार्ट है आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट फॉर विच पीई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जिस तरह बी पार्ट में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पीई है, क्वेश्चन कहता है उसी जैसे आप और दो लाइन सेगमेंट बताओ जहां पर पीई बाइसेक्टर है। तो हम लेंगे डीएफ। डीएफ जो है वो पीई से एक यूनिट आगे एक यूनिट पीछे। इसका मतलब डीएफ एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जिस पर पीई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। उसके बाद हम लेंगे बीएच। बीएच भी ऐसी लाइन सेगमेंट है जिसकी जिससे पीई से आगे तीन यूनिट्स हैं और बाद में और पीई के बाद में तीन यूनिट्स हैं। इसका मतलब दो लाइन सेगमेंट्स हैं डीएफ और बीजी। इसके बाद डी पार्ट है, आपको बताना है सही है। क्वेश्चन है एसी ग्रेटर देन एफजी। एसी देखिए कितने यूनिट्स हैं। एसी है दो यूनिट्स और एफजी एसी है दो यूनिट्स और एफजी भी है। एसी दो यूनिट्स हैं और एफजी एक यूनिट है। इसका मतलब एसी इज ग्रेटर देन, इसका मतलब ये सही है। इसके बाद है सीडी। सीडी देखते हैं कितने यूनिट्स हैं और जीएच कितने यूनिट्स हैं। सीडी भी है एक यूनिट, जीएच भी है एक यूनिट। इसका मतलब ये दोनों सेम है, इसलिए ये भी आएगा ट्रू। इसके बाद लास्ट वन है बीसी लेस देन ईएच। बीसी इज वन यूनिट एंड ईएच आर थ्री यूनिट्स। दिस मीन्स बीसी ईएच से छोटा है। तो आपने समझा होगा कि परपेंडिकुलर लाइंस किसे कहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं।